आसमान का रंग नीला, काली मिट्टी हरे रास आसमान का रंग नीला, काली मिट्टी पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, काली मिट्टी पीले हरे बन आसमान का रंग नीला, सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी ही लीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी ही लीला, हाँ सबके स्वयं छुप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सबके सबके भीतर स्वयं छुप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब प्रकार। हमारा जो जीवन है, हम अपने आप में अपने अभिमान से इसको ये मान बैठते कि जैसे हम चलाएंगे वैसे चलेगा, लेकिन नहीं। यदि हम भगवान की शरणागत होकर के उनसे कहें कि प्रभु मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है, मैं तो प्रभु आपका हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके आप मुझे अपना लीजिए, तो जन्माद्यस्य जन्म आदि का कारण भी वही है, पालन भी वही परमात्मा करता है और संहार भी परमात्मा के द्वारा ही इस संसार का होता है। और परमात्मा अन्वय व्यति रूप से सर्वत्र व्याप्त है। क्या आइए, सर्वत्र परमात्मा ही है, कोई कण ऐसा नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है। हर घट मेरा साईया सुनी सेज न कोए, वो सोई घट सत घट जानिए जा घट पर घट होए। बस बात ये है कि जैसे पूरे दूध में घी होता है, लेकिन घी निकलता वहीं से जिसको दही बना करके मथा जाए फिर घी उसमें से निकलेगा। दूध में घी तो है लेकिन देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उसको दही बना करके मथोगे तो दूध में से घी निकल आएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो प्यास होनी चाहिए कि निरंतर सिवाय परमात्मा की चाह के कुछ रह ही न जाए, संसार की चाह समाप्त हो जाए तो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस्य, और परमात्मा अन्वय व्यतिरेक रूप से सर्वत्र, भगवान सबके अंदर है और हम सब भगवान के अंदर हैं। अच्छा देखो, ऐसा कभी होता है जैसे हम इस समय मंदिर के अंदर हैं तो मंदिर हमारे अंदर नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, भगवान एक ऐसे कि भगवान सबके प्रतिष्ठ दशांगुलम्मा वेद कहता है। सेठ जी आप और ऐसे बैठिए तब अच्छा लगेगा। भगवान सबके अंदर है और हम सब भगवान के अंदर है। दिख रावा मात है प्रभु अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं और वो परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है। दृष्टावन के सबको देख रहा है, हम कब क्या कर रहे हैं, एक भी बात मन में जो विचार करते हैं वो विचार बाद में आता है, उसे ज्ञात पहले हो जाता है। इसलिए मन को अगम तन सुगम किए, मन की अगमता को भी सुगमता से समझने वाला परमात्मा, और हम समझते हैं कि किसी ने नहीं देखा जो हम कर रहे हैं, ये हमारी भ्रांति है, भ्रम।
ये भगवान भागवत इसी सत्संग के माध्यम से जीव को ये कहते हैं कि तू देख, तेरा दृष्टा तेरा स्वामी है, तेरा ईश है, जिसे हम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। उसी परमात्मा को कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, वो हमारे अंदर बैठा है। तो और वो परमात्मा कैसा है? चार थे। उसे किसी के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप काम है और संसार को सब कुछ देने वाला है। अपने संकल्प से संसार को सब कुछ देने वाला, और भगवान की कभी कोई आवश्यकता होती नहीं है। वो अपने प्रकाश से सारे ब्रह्मांडों को प्रकाशित करते हैं, सारे के सारे ब्रह्मांड, सबके सब देहधारी, उनकी बुद्धि का प्रकाश, उनके नेत्र का प्रकाश, अग्नि चंद्रमा सूर्य और तारागणों का जो प्रकाश है, वो परमात्मा ने कहा कि मत भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात बरसत इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मत भयात। ये सारी गतिविधि परमात्मा के ही संकेत से संकल्प से हो रही है। परमात्मा के यहाँ किसी अन्य के द्वारा, जैसे ये नहीं कि बैकुंठ में कोई दीपक जलाना पड़ता है, कि बैकुंठ में कोई गैस बत्ती या बल्ब लगाना पड़ता है, नहीं, वो तो कोटि सूर्य समप्रभा। ये सूर्य आदि को प्रकाश थोड़ा थोड़ा भगवान ने दिया है, वो तो अनंत कोटि सूर्यों के समान स्वयं की प्रभा है परमात्मा। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्थाम परमं मम। भगवान का वो परम धाम जो है, वो भगवान के ही दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। और कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। हम लोगों में थोड़ा विवेक आ जाए, तुम अपनी बुद्धि का दूसरे को, अरे तुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तू नहीं जानता, ऐसा कह के अन्य लोगों को संबोधित करते हैं। वास्तविकता ये है कि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये परमात्मा ने ही बोध प्रदान किया, भगवान ने ही उनके हृदय में ज्ञान दिया। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी, जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, तो इंद्र की तो गिनती ही कहाँ है। एक दिन, जैसे हमारे एक दिन में गुबरी ला के कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, गोबर के गुबरी लेके एक दिन में कई पीढ़ी हो जाती हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अब विचार करिए कितना बड़ा पद ब्रह्मा का, कितनी बड़ी आयु। वो ब्रह्मा के हृदय में भी जो ज्ञान है, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, तब ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर पाते हैं। हम लोग बुद्धिमान मानते हैं अपने आप। जिस ब्रह्मा ने हम 84 लाख प्रकार के देहधारियों के देहों का निर्माण किया, उन ब्रह्मा को भी बनाने की योग्यता और विवेक शक्ति परमात्मा ने दी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये और मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान जिसकी माया से मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया का प्रभाव भगवान शंकर और नारद को भी भ्रमित कर देता है, नारद बंदर बन जाते हैं और शंकर जी मोहिनी के पीछे दौड़ जाते हैं। ऐसे परमात्मा ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, और हम दावा करते हैं कि हमारी समानता का कोई है नहीं। इसलिए ध्यान रखिए क्या कहते हैं, मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी माया से मोहित होते हैं, तो हम लोगों का तो कोई स्थान, अगर आप विश्व का नक्शा देखें और विश्व के नक्शे में चाहें कि दिनारा मिल जाए, मिले, अरे दिनारा क्या, अपने भारत भूमि को भी खोजना पड़ेगा कहाँ है। 350 से ऊपर देश हैं, इतने देशों में भारत तो दिखाई देगा, लेकिन भारत के फिर राज्यों को अगर खोजना चाहें तो मुश्किल होगा। इसी प्रकार महाराज भारत के नक्शे में हमारे जिले आदि जल्दी मिलेंगे, लेकिन ये तहसीलों को खोजने में भी बहुत कठिनाई होगी। इसी प्रकार से हम लोगों की गिनती तो वो विश्व के नक्शे में, जैसे अगर दिनारा को खोजें तो मिलना मुश्किल है, ऐसे ही उन बुद्धि
बुद्धिमान जिनकी चर्चा यहाँ चल रही है उनमें अगर हमारी गिनती की जाए तो हमारा कहीं भी कोई नामो निशान मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बीच बीच में सबको बोलना चाहिए तो क्या तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जो त्रिसर्ग झूठा है वो दिखाई दे रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये उसकी माया है। अच्छा देखो आज तक हमने जो देखा ईमानदारी से वो है नहीं तो बोले ये तो उसकी माया का प्रभाव है कि जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो आज तक देखा नहीं। आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं। हाँ सत्य यही है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेद कहता है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये जो दिख रहा है ये तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक जादूगर नजरबंदी करके और एक खाली पात्र कोई डिब्बा आदि ले लेता है और दिखाता है कि देखना इसमें क्या है। एक सज्जन ने कहा कि इसमें गुलाब जामुन रखा है। क्या? बोले गुलाब जामुन। दूसरे को कहा आप देखना वहीं खड़े हैं लोग और वो एक ही डिब्बा ऐसे दिखा रहा है। दूसरे से कहा आप देखिए तो उसने कहा कि नहीं इसमें तो इमरती रखी है। अरे बोले ये कहते हैं गुलाब जामुन तो इमरती। अच्छा भैया तुम देखना। तो तीसरा बोला कुछ है ही नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। दो तीन लोगों को दिखाया तीनों ने अलग अलग एक गुलाब जामुन एक इमरती और एक कहता है खाली। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो तो सत्य बोल रहे हैं देखने वाले लेकिन उन्हें जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे। वो नजरबंदी से उसने ऐसा कर दिया कि किसी को गुलाब जामुन किसी को इमरती दिखती है और किसी को कुछ भी नहीं दिखता। यही विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये सारे ब्रह्मांड को माया के द्वारा परमात्मा ने जो ऐसा बांध रखा है कि मोह रूपी रस्सी में हम बंधे हैं और मोह रूपी रस्सी में बंध करके जो नहीं है उसे मान बैठे हैं और जो है उसे भूल गए। क्या तीन सत्य हैं? परमात्मा भगवान की माया और जीवात्मा। लेकिन तीनों को आज तक किसी ने नहीं देखा। चींटी के प्राण निकले हो या हाथी के कभी नहीं देख पाए कि इसमें से देखो ये प्राण निकल के जा रहा है। जिसके बल पे चींटी से लेके हाथी पर्यंत शरीर की आंख नाक कान हाथ पैर संपूर्ण इंद्रियां क्रियाशील जिस आत्म बल पर रहती थी वो आत्मा निकल गया और किसी को ये पता नहीं पड़ा कि इसमें से गया क्या है। चाहे वो चींटी की आत्मा निकली हो या हाथी की। तो आत्मा माया और परमात्मा तीनों सत्य हैं और तीनों को आज तक आंख से देखा नहीं क्योंकि ये तो मायिक आंखें हैं इनसे वो दिखाई नहीं देता। और जो नहीं है ये संसार दिख रहा है वो उसी इमरती और लड्डू की तरह दिख रहा है नहीं फिर भी मिथ्या। ये त्रिसर्गो मृषा ये तीनों सर्ग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त जो संसार है ये वास्तविकता से न होने पर भी भास रहा है। एक ही परमात्मा सर्वव्यापी विभू व्यापक ब्रह्म ही आत्मा रूप से सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कई दर्पण रख दो ड्रेसिंग रखी हो ड्रेसिंग के आप हॉल में प्रवेश कर जाइए जहां उनका विक्रय होता है तो आप प्रवेश करेंगे तो एक ही व्यक्ति के अनेक चित्र दिखाई देंगे। उसमें हर शीशे में वो व्यक्ति दिख रहा है तो वो तो एक ही है लेकिन देखने में वहां अनेक दर्पणों में अनेक प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो अनेक नहीं वो एक ही है। इसीलिए ब्रह्म परमात्मा के लिए वेदों ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन हम उसका संबंध जो जीवात्मा का वास्तविक संबंधी है और इस देह को छोड़ना ही पड़ेगा। ये देह कुछ समय के लिए मिला है। ये देह का तात्पर्य है कि इस देह के माध्यम से मानव देह के माध्यम से हमें भगवत ज्ञान हो सकता है भगवत प्राप्ति हो सकती है तो उसको तो भुला दिया। जो भोग और भोजन अनेक योनियों में भोगते भोगते आज तक भोगते रहे उसी की आदत बन गई है तो आज मानव देह से भी उसी भोग और भोजन के पीछे पड़े। परमात्मा को नहीं पहचानना चाहते जो असली संबंधी है उसको नहीं जानना चाहते। अरे विचार कीजिए क्या बेन रहे दुर्योधन से
जिन 64 कोस में छत्र को ताना ओ बाली बली से देन रहे जिनके 10 कंधर कांख समाना तुलसी धरा का प्रताप यही जो फरा सो झरा और जरा सो बुझाना यह संसार मुसाफिर खाना नित्य का इसमें आना जाना कोई आ रहा है कोई जा रहा है ये तो धर्मशाला है इसलिए ध्यान रखो ये हमारा घर नहीं है हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध अमर जीवात्मा है ये अमर कथा हमें यही अमृत पिला करके ज्ञान दे करके अमरत्व का बोध करा देती है वो हम अमर हो जाते हैं मरण धर्मा तो शरीर है और शरीर को मैं मान बैठे जैसे कोई किसी भवन में रहता हो वो बाहर कोई आवाज लगाए अंदर है कोई अंदर कौन तो अंदर वाला व्यक्ति कहे मैं मकान तो कहेगा पागल हो गया कह रहा है मैं मकान ऐसे ही हम शरीर नहीं है शरीर रूपी मकान में मैं जीवात्मा वास करता हूँ जैसे किसी का देहांत हो जाए शरीर छूट जाए तो लोग शरीर सामने पड़ा है और लोग कहते भैया फलाने तो चले गए अरे जिसको तुम पहचानते हो सामने रखा है वो कह रहे चले गए तो चला कौन गया जो इसमें बास करता था उसने खाली कर दिया मकान प्रेम से बोलो राधे राधे हर देश में तू